गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संघर्ष, आपका स्वागत है जीएस ज्योग्राफी में, और आप देख रहे हैं संघर्ष द स्ट्रगल। तो मैं एज यूजुअल आपका दोस्त चंद्रशेखर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संघर्ष द स्ट्रगल में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में हम लोग बात करेंगे आज नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो चलिए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं इसमें आगे। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जैसे हम लोग बात करते हैं, तो यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट जो भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, या यूं कहें कि एक ऐसा क्लाइमेट जो कि जिसका नामकरण भूमध्य सागर और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में पाए जाने वाली जो जलवायु है उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया। वैसे तो भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर और उसके आसपास ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट, चिली और यहाँ उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के आसपास पाया जाता है। तो लेकिन चूंकि इसकी जो इसका जो सबसे विकसित और सबसे आसानी से जो इसका जो रूप देखने को मिलता है वो भूमध्य सागर उसके तटीय क्षेत्रों में, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये मोरक्को और अल्जीरिया का क्षेत्र है, और इधर ये स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस और ये इटली, फिर इधर तुर्की वगैरह ये क्षेत्र है इसका। यदि हम इस मैप को देखें तो हमें आज देखने को मिलता है कि भूमध्य सागर और उसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, यदि मानव इतिहास की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ देखें इजिप्ट है, इधर यूनान है, और इधर ये बेबीलोन मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र रहा है प्राचीन इतिहास में। यदि आप कह सकते ये जो तीनों है इसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि ऐसी ऐसे स्थान हैं, ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ पर कि काफ़ी प्राचीन काल में मानव सभ्यताओं का भी जन्म हुआ और फली फूली। और ऐसे माना जाता है कि पूरी दुनिया में पाँच पालने हैं मानव सभ्यता के। पहला मिस्र, दूसरा यूनान, बेबीलोन, फिर इधर से चलते हैं मिस्र और यूनान, फिर ये बेबीलोन और मेसोपोटामिया का क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और फिर चाइना। ये पांच में तीन इस क्षेत्र भूमध्य सागर और उसके आसपास पाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट और यहाँ की भूमि कितनी फर्टाइल है, यहाँ के लोग इसकी यहाँ का जो यहाँ कह सकते हैं यहाँ का क्लाइमेट कितना फेवरेबल रहा होगा। ये जाहिर है कि एक बहुत ही फेवरेबल रहा होगा ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तभी तो यहाँ वैसे सभ्यताएं का इतनी तीन तीन प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ इस क्षेत्र में। तो और यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिंधु घाटी का भी क्षेत्र है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रभावित सा नज़र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको भूमध्य सागर और इसके क्षेत्र का बारे में। और ये इसकी जहाँ तक का इसका क्षेत्र है, ये 30 से लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है ये। तो जैसे ये इसे हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या वार्म टेम्परेट क्लाइमेट भी कहा जाता है इसको। ये उष्ण वार्म टेम्परेट यानी उष्ण, हिंदी में इसको क्या कहें, उष्ण टेम्परेट, सॉरी हिंदी में इसका थोड़ा टर्म नहीं आ रहा, देख लीजिएगा इसको, उष्ण उपविषपति या उप जो भी है हिंदी में आप लोग देख इसको कर लें, अगर हम यदि पता चले तो हमें भी बताएं वार्म टेम्परेट को हिंदी में क्या कहेंगे। जनरली इसे भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं। यदि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड बिटवीन मेडिटेरेनियन, जैसे हम लोग बात कर चुके पहले, ये यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है 30 से 40 और कहीं कहीं 45 डिग्री तक इसका ये ऊपर की ओर के शिफ्टिंग हो सकता है, लैटिट्यूड के बीच पाया जाता है। इसका जो नाम है मेडिटेरेनियन सी के आधार पर पड़ा उसके चारों ओर। बेसिक काउज ऑफ दिस क्लाइमेट, यहाँ जो बेसिक काउज इसका जो होता है, क्योंकि ये जो एयर प्रेशर है वो उसके शिफ्ट की वजह से होता है, क्योंकि जब एयर प्रेशर गर्मियों में उत्तर की ओर, मतलब एक प्रेशर बेल्ट जो उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में बारिश नहीं होती है, थोड़ा गर्म हो जाता, और अगर ऐसा सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, कारण क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होता है, जिसके कारण ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता।
दिस रीजंस हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड विंटर रेन, या इस क्षेत्र को मतलब विंटर रेन वाला ये रीजन भी कहा जाता है, और समर ड्राई. द मेडिटेरियन ब्लाइंड, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट या क्लाइमेटिक क्षेत्र जो है उसका जलवायु क्षेत्र, उसको बायोम्स के आधार पर, उसके वहाँ के जो फ्लोरा और फाउना के आधार पर, उसको पांच, यानी उसको कह सकते वनस्पतियों के आधार पर उसको पांच भागों में बांटा गया है. और उनके स्थानीय नाम कुछ इस प्रकार है. मेडिटेरियन है ये आपका मेडिटेरियन, इसको हम मेडिटेरियन सी के चारों ओर के क्षेत्र को कहते हैं. कैलिफोर्नियन, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में, चिलियन, सेंट्रल चिली, साउथ अमेरिका, कैपेंसिक, कैपटाउन, दक्षिण यानी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका का, और ऑस्ट्रेलियन, साउथर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन को यहाँ का. तो ये तो, और मेडिटेरियन सी के बारे में थोड़ा कुछ, और चलिए इसको मैप पर देखते हैं. मेडिटेरियन सी का जो क्लाइमेट है, पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं उसका. अब होता ये है कि गर्मियों में चूंकि विंड बेल्ट जो है यहाँ से, इसके आधार पर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण यहाँ इस क्षेत्र में जो हवाएं, जो नम हवाएं इधर से आती है यहाँ पर नहीं आ पाती है, और इस क्षेत्र में बारिश नहीं होता गर्मियों में. तो इस कारण ये एक काफ़ी गर्मियाँ यहाँ शुष्क होती है, बट तटीय क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ी बहुत बारिश होती है. लेकिन इस क्षेत्रों में भी यही कारण लागू होता है यहाँ पर. और आप देख सकते हैं ये जो चिली का, पेरू चिली का क्षेत्र है, इसका संबंध सीधा हमारे मॉनसून से भी होता है, इसका यहाँ का, यहाँ की जलवायु का. तो चलते हैं आगे. ड्राई वार्म समर विथ ऑफशोर ट्रेड विंड्स. समर में जो होता है, एक प्रेशर बेल्ट ऊपर की ओर जब खिसक जाता है, तो यहाँ से जो यहाँ ऑफशोर विंड चलती है इस क्षेत्रों में. ऑफशोर विंड आप समझ सकते हैं कि ये जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ऑनशोर उसको कहते हैं जो समुद्र से स्थल की ओर बहती है. तो समर मंथ्स हैव द रिलेटिवली टेम्परेचर हायर, यहाँ के जहाँ का जो तापमान कितना है गर्मियों में 20 से 30 डिग्री के बीच देखा जाता है, विद द हाइएस्ट. और जो हाइएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा वो आपका ये इधर ईस्टर्न रीजन में यहाँ पाया जाएगा, ये चूंकि इस क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हाइएस्ट टेम्परेचर. और इन समर व्हेन सन इज ओवर हेड, जब गर्मियों में, जैसे हम लोग पहले बात करें, गर्मियों में जब सूर्य यहाँ पर सीधे सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़ती है, तो इस जो होता है भूमध्य सागर के कारण, जब को जैसे हम जानते हैं कि जो स्थल खंड है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, जिसके कारण भूमध्य सागर से ये खिसक कर थोड़ा ऊपर की ओर यूरोप की ओर चला जाता है. ऐसे में यूरोप का टेम्परेचर जो है, यूरोप ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ पर इस क्षेत्रों में एक शिफ्टिंग दिखा जाता है इस तरह का. और इस क्लाइमेट रेन बियरिंग विंड्स देयरफॉर आर नॉट लाइकली टू रीच मेडिटेरियन लैंड्स, और ऐसे में जो वर्षा वाली पवने हैं यहाँ पर नहीं आती है, और वो यूरोप की ओर बढ़ जाती है, उत्तर की ओर. प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, ऐसे में जो ट्रेड विंड्स होता है ये ऑफशोर हो जाता है. ऑल ऑफ दोज द मेडिटेरियन रीजन्स लाइज द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, सारा जो है ये वेस्टर्न मार्जिन किसी भी कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी तट पर देखा गया. ऐसे में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एक्सपेक्ट लार्ज पोर्शन ऑफ द मेडिटेरियन बेसिन एंड मेडिटेरियन सी, देयरफॉर इज द एयर इज ड्राई हीटेड इज लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी. पश्चिमी तट में अब जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पश्चिमी तट की जलवायु जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि वो वहाँ पर ऑफ सालों पर लगभग ऑफशोर विंड चला करती है, और दूसरी अपवेलिंग की जो घटना होती देखी जाती है पश्चिमी तट पर, जिसके कारण ये इलाका काफ़ी कूल रहता है, और यहाँ एरिड होता है यहाँ का मौसम. गर्मियों में जो है इंटीरियर इलाका है यहाँ का, जो जैसे जो ईस्टर्न मोस्ट इलाका है यहाँ का, वो काफ़ी गर्म होता है गर्मियों में, विद द एरियाज कोस्ट गेटिंग, अब जो तटीय इलाका जो है वो मॉडरेट होता है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सट्रीम नहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ देखने को नहीं मिलती है. तो ये एक तो रेन और वर्षा और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो हम देख सकते हैं इसको यहाँ पर. जब एवरेज प्रेसिपिटेशन 20 ml है, जब टेम्परेचर कितना होता है यहाँ का देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे इसको एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, और ऐसे यहाँ पे समर को देखा, ये समर है, समर में टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा लेकिन प्रेसिपिटेशन कम हो जाता है. विंटर से स्प्रिंग तक बारिश होती है, यहाँ पर देख सकते इसका जो बारिश का जो पैटर्न है, विंटर से
स्प्रिंग, जैसे विंटर आता है बारिश होती है, और विंटर से स्प्रिंग तक बारिश कम होती जाती है, फिर समर में बारिश बहुत कम, नहीं के बराबर, फिर जैसे ही समर खत्म होता है ऑटम, ऑटम सीजन आता है, ऑटम के बाद विंटर, विंटर आते आते फिर से बारिश होने लगती है यहाँ पर। तो इस ग्राफ को थोड़ा मैंने मोटा मोटा समझाने की कोशिश की, आप बेहतर और ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन यदि कोई दिक्कत हो तो बात कीजिए फिर। और है माइल्ड रेनी विंटर, यहाँ पर जो विंटर जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नहीं होता, ये माइल्ड कंडीशन होता है यहाँ का, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पाया जाता अपेक्षाकृत, जो यहाँ का जो जो ये यहाँ का अच्छा सी स्थिति है, ऐसे में यहाँ पर उस मुकाबले यहाँ पर कम टाइम कम देखी जाती है। यहाँ पर जो उसमें 65 से 70% बारिश है इसी समय दर्ज की जाती है। तो वेस्टर्ली शिफ्ट ईस्ट इक्वेटर, मतलब यहाँ जो वेस्ट जो है इक्वेटर की ओर, इक्वेटर वार्ड हो जाता है, थोड़ा सा पोल से नहीं नीचे की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है और बारिश होती है यहाँ का। इन नॉर्थन हेमिस्फेयर द प्रेवेलिंग ऑन शोर वेस्टर्लीज बींग्स मच साइक्लोनिक रेन फ्रॉम द अटलांटिक टू कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी। आपको आप जैसे जानते हैं कि ये जो विंटर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसमें अटलांटिक ओशियन में एक साइक्लोनिक एक्टिविटी उत्पन्न होती है, और वहाँ से उसको हम लोग जैसे कि उसको हम लोग नाम से टेम्परेट साइक्लोन के नाम से उसको जानते हैं, और वो वहाँ से वहाँ का जो मेडिटेरियन सी में है वहाँ पर बारिश कराती है। और आप इसको चलिए इसको एक बार इसको हम लोग समझते हैं, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट। इसको चलिए मैप के जरिए हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये वैसे ये है अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जब गर्मियों में यहाँ पर ये इलाका थोड़ा गर्म, सर्दियों में ये थोड़ा इस यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन या फिर कहें कि टेम्परेट साइक्लोन उत्पन्न होता है, और ये आगे की ओर इस ओर बढ़ता है यहाँ से, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में बारिश बारिश कराता है। और फिर यही हवाएं जब यहाँ से बारिश कराकर फिर भूमध्य सागर से फिर नमी ग्रहण करती है, और फिर जब ये आगे बढ़ती है तो भारत में भी, भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में सर्दियों में बारिश होती है, जिसको यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। तो चलिए, तो ये था द मीन एनुअल रेनफॉल इज अप्रोक्स, यहाँ पर जो है एक यदि औसत बारिश की बात करें तो बहुत कम देखा जाता है यहाँ पर। इसमें मेडिटेरेनियन रीजन्स आर ऑफन बैक्ड बाय द माउंटेन्स अलॉन्ग द कोस्ट विच प्रोवाइड एन इफेक्टिव बैरियर ऑन आउटकमिंग वेस्टर्लीज। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर ऑफन बैक्ड बाय माउंटेन्स, जो वेस्ट मेडिटेरेनियन रीजन है वो माउंटेन्स के कारण जो है वेस्टर्लीज के लिए वो एक दीवार का काम करता है। और यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो वहाँ वहाँ पर वेस्टर्लीज के लिए दीवार का काम करते हैं यहाँ पर। एज अ रिजल्ट पोर्टुगीज कोस्ट इज मस्ट मच वेटर देन द स्पेन। अब वैसे देखें तो पुर्तगाल का जो कोस्ट है वो जो है हमारा इसके इसे इसके स्पेन की अपेक्षा ज़्यादा वेट होता है, बट यहाँ पर पुर्तगाल थोड़ा स्पेन की अपेक्षा ज़्यादा वेट होता है, स्पेन थोड़ा एरिड रहता है। द स्टीफ हिल ऑफ ईस्टर्न एड्रियाटिक आर द रेनियस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। जब एड्रियाटिक सी की सी को देखें तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर आगे आगे बढ़ देखते हैं इसका, ये देखिए ये है एड्रियाटिक सी। तो यहाँ पर का जो ये जो कोस्ट है यहाँ पर भी अच्छी बारिश होती है, सबसे ज़्यादा यूरोप में बारिश इस क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पर। तो चलिए आगे इसको हम देखते हैं। इसमें द रेन कम्स इन हेवी शोवर्स बट ओनली ऑन फ्यू डेज, ब्राइट सनी पीरियड्स बिटवीन देम मोस्टली फ्रॉम सेप्टेम्बर टू फेबरवरी विथ पीक एट अक्टूबर। आप देख सकते हैं रेन कम्स इन हेवी, यहाँ पर जो हेवी बारिश होती है कब से, सेप्टेम्बर से फरवरी के बीच में, इसका पीक जो है अक्टूबर में होता है इसका। दाउ द डाउन पावर इन फ्रीक्वेंट दे आर ऑफन वेरी टोरेंशियल इन द माउंटेन्स रीजन काउज द डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। और बस चाहिए बारिश जब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगी तो सर्दियों में यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लड जैसी फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है यहाँ पर ऐसे, तो जब बारिश है। अब चलिए इसमें
तो यहाँ पर माइल्ड रेन। अब चलिए यहाँ पर चलने वाले कुछ इसके मेडिटेन सी के चारों ओर चलने वाले लोकल विंड्स की बात करते हैं। मैनी लोकल विंड वो ये सारे बहुत सारे कुछ इनको दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये कुछ जो है सम हॉट और कुछ कोल्ड होता है इनके चारों ओर। जब जैसे कि हॉट और कोल्ड जो होते हैं ये अपेक्षाकृत होते हैं, वो रेस्पेक्टिवली गर्म या ठंडी होती है हवाएं। जैसे जो इक्वेटर से पोल की ओर बहेंगी या फिर पोल जनरली एक दिखाया था कि पोल से जो इक्वेटर की ओर जाएंगी वो ठंडी होंगी और इक्वेटर से जो पोल की तरफ जाएंगी वो गर्म होंगी। लेकिन यहाँ पर चलिए लिटिल बिट डिफरेंट इज देयर, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कमी है इसमें। हाई अल्प्स इन द नॉर्थ सहारा डेजर्ट, इसकी उत्पत्ति जो होती है कहाँ होती है, मतलब कि मतलब एल्प्स की ऊंची पहाड़ियों पर या सहारा डेजर्ट में। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स इन ईस्ट एंड ओपन अटलांटिक ऑन वेस्ट गिव राइज टू ग्रेट डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ मुझे टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है जिसके कारण प्रेशर और प्रेशर प्रेसिपिटेशन का जो डिफरेंस है ये तीन चीज़ों का, जिसके कारण इस तरह की हवाओं का इस तरह स्थानीय हवाओं की उत्पत्ति होती है स्थानीय विंड्स की। द पासिंग साइक्लोन फ्रॉम द अटलांटिक, द एंटी साइक्लोन्स फ्रॉम द नॉर्थ, कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर आर ऑफन इंटरप्टेड बाई रिलीफ फीचर्स। जो अटलांटिक ओशियन से जो आने वाली जो हवाएं हैं उसके लिए यहाँ का जो रिलीफ है जैसे पहाड़ी नुमा उसके लिए काफ़ी एक कह सकते हैं इसको इसका इंटरप्शन देता है जिसके कारण ये बहुत आगे तक जिसके कारण जो पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वो एरिड रह जाता है और बहुत अच्छी बारिश नहीं हो पाती। तो चलिए हम इसमें बात करेंगे पहले सिरोको की। सिरोको जो है एक डस्टी विंड है जो कि सहारा मतलब धूल भरी हवाएं हैं जो कि सहारा में जिसकी उत्पत्ति सहारा मरुस्थल में होती है। ये जो है ये साल के किसी भी समय में उत्पन्न हो सकता है लेकिन जनरली स्प्रिंग जो सीज़न होता है वसंत में वहाँ उसमें देखा जाता है। ये बस कुछ दिनों के लिए होता है, बहुत लंबा नहीं चलता। जो सिरोको होता है जो ये मतलब कि गर्म सहारा मरुस्थल से लेकर से होकर वो ठंडे मेडिटेरेनियन सी की तरफ बढ़ता है। ये चूँकि सहारा मरुस्थल गर्म होता है और समुद्र जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मरुस्थल खंड है समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है ठंडा भी, ऐसे में जब सहारा मरुस्थल गर्म होता है तो उसकी अपेक्षा भूमध्य सागर जो है वो ठंडा होता है, ऐसे में भूमध्य सागर की ओर ये बहती है। इट यूजली और यहाँ होता है कि इज एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन फ्रॉम द पासिंग कोस्ट ऑफ ईस्टवर्ड आइसलैंड और वहाँ से ये इस पूरब की ओर जो आइलैंड हैं वहाँ उस तरफ ये बढ़ते हैं। आफ्टर द क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी होता है कि जैसे ही भूमध्य सागर को क्रॉस करने के बाद ये जो सिरोको है थोड़ा ठंडा होता है और वहाँ से वो पानी नमी ग्रहण करता है जो कि अभी भी थोड़ा गर्म होता है क्योंकि यहाँ का जो उत्पत्ति के समय इसका जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है यहाँ के लोगों के लिए। इट वेदर्स क्रॉप्स और वेजिटेशन एंड डैमेज, ये जो तो फसलों को और वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है यहाँ की हवाएं। और सिरोको और ये सिरोको है यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी के नॉर्दर्न कोस्ट में इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जब अपने साथ सहारा डेजर्ट से धूल लेकर उड़ती हैं और धूल के साथ जब भूमध्य सागर की नमी मिल जाती है और ये और चूँकि सहारा का जो धूल है मिट्टी वहाँ का रंग लाल है और ऐसे में वहाँ जाकर ये बारिश होती है तो इसे एक लाल रंग के साथ लाल पानी का बारिश होता है जिसे यहाँ पर ब्लड रेन के रूप में लोग जानते हैं। इन एड्रियाटिक एंड एजियन सी दिस हॉट विंड बेटर नॉन एज गार्बी, ये जो एड्रियाटिक सी और एजियन सी में इसको गार्बी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से ये और यहाँ अधिक मॉइस्चर ग्रहण करके और फॉग और बारिश का भी बारिश की स्थिति भी उत्पन्न होता है जबकि फॉग ड्यू जैसा तो होता ही। और इसको देखते हैं सिरोको को अलग अलग जगह में किस किस नाम से जाना है। तो चिली बोलते हैं इसको ट्यूनिशिया में, गिवली लीबिया में और लेवेचे या लेवेंचे स्पेन में, खमसिन इजिप्ट और माल्टा से। तो ये इसका रीज़न है, आप देख सकते हैं इस मैप को। चलिए इस मैप को आगे भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। विद द फोन, द फोन विंड इज द लोकल हॉट एंड ड्राई विंड्स एक्सपीरियंस ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स व्हेन डिसेंडिंग एयर बिकम्स कंप्रेस्ड विद इंक्रीज प्रेशर। ये जो है एक पहाड़ से जब फोन जो पहाड़ से एक पहाड़ी क्षेत्र में जैसे आप देख सकते हैं ये लीवार्ड साइड जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब
इधर कहीं ओशन है, यहाँ से जब हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती है इस क्षेत्र में बारिश होगा, फिर ऐसे ही जब यही हवाएं जब नीचे की ओर उतरने लगती हैं तो यहाँ जैसे ऊपर उठेंगी तो ये अपना टेम्परेचर लॉस करेगी, और यहाँ पर एक एडियाबेटिक प्रोसेस के तहत ये अपना टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये फिर नीचे की आने और आने लगेगी, क्योंकि अब यहाँ पर नमी है नहीं इसमें, ये ड्राई है, जैसे ही नीचे आने लगेगी ये गर्म होगा, और इसको और इस क्षेत्र में और इसको इस साइड को लीवार्ड साइड बोलते हैं, लीवार्ड साइड यानी कि मतलब इसको क्या हिंदी में इसको पवनाभिमुख क्षेत्र बोलते हैं इसको। फोन विंड इज एक्सपीरियंस विद द वैलीज ऑफ नॉर्दर्न आल्प्स, ये जो उत्तरी आल्प्स के क्षेत्रों में इसको देखा जाता है, जो भूमध्य सागर से जब नमी लेकर जाती है इसके दक्षिणी क्षेत्रों में जब बारिश करा देती है। अब प्लीज मैप पर देख सकते हैं ये एल्प्स का जो रीजन, जैसे ये देख सकते हैं ये भूमध्य सागर जो दक्षिण में है और एल्प्स फ्रांस इधर कहीं होगा, तो जैसे ही इस ओर से जाएगी हवाएं तो ये इस क्षेत्र में बारिश करा देंगी, और फिर जैसे ही एल्प्स के आगे बढ़ेगी तो फिर वहां पर ऐसे में ये नमी कम होगी, और जैसे नीचे उतरते एक हॉट एयर मास का अनुभव देगी। वेन द डिसेंडिंग मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द विंड इज लॉस्ट एट हेंस इट बिकम्स द ड्राई हॉट एंड विच मे लीड टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ लीवार्ड साइड, और क्योंकि ये हॉट भी है और ड्राई भी है, ऐसे में जो लीवार्ड साइड होता है इस साइड में आप एल्प्स के उत्तर में यहाँ पर काफ़ी तेजी से ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इन नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड चिनुक, ऐसी ही हवाएं जब उत्तरी अमेरिका में आती है तो उसको चिनुक कहा जाता है, और चिनुक को एक तरह से स्नो ईटर माना जाता है, ये वहाँ बर्फ को काफ़ी तेजी से पिघला देता है, ये जो ये कभी ये वरदान भी है तो कभी अभिशाप भी है, ये बर्फ पिघला कर यहाँ का और यहाँ की जो जलवायु है थोड़ा उसको नॉर्मल करता है, क्योंकि अब इस स्थिति में काफ़ी काफ़ी ठंड होती है और उसको कम करने में इस फोन का बहुत योगदान रहता है, और ये जो है फलों के पकने और तैयार होने में भी काफ़ी योगदान रहता है, लेकिन कई जब ये ज़्यादा प्रभावी हो तो इस इलाके को काफ़ी नुकसान भी करता है, क्योंकि बगीचों को जला देने का यानी कि फसलों को इसे झुलसा देने तक की गर्मी होती है इसमें, और इसका काफ़ी नुकसान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन है इधर से मिनस्ट्रल बोरा, आप किन किन हवाओं चल रहे हैं इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग सिरोको की बात किए, यही लेवेंचे है, यहाँ गार्वी किबली और यहाँ खामसिन, इसी का नाम को अब आगे देखते हैं, ये फोन है फोन। और अब चलिए नेक्स्ट हम लोग मिनस्ट्रल देखेंगे, मिनस्ट्रल ये जो है मिनस्ट्रल जो है इन कॉन्ट्रास्ट टू सिरोको मिनस्ट्रल इज कोल्ड विंड, अब ये मिनस्ट्रल एक कोल्ड विंड है रसिंग डाउन द रोन वैली फ्रांस से और वायलेंट कर्स्ट बिटवीन, और इसकी जो ये कोल्ड वैली है आप देख सकते हैं इसको, जैसे हम लोग मिनस्ट्रल देखिए इसको यहाँ पर इधर से ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ऐसे में ये कौन रोन वैली वैली जो है वहाँ से होते हुए ये एक ठंडी वायु राशि है, ठंडा ठंडा विंड है ये, जिसका स्पीड जो है 40 से 80 माइल पर आवर होता है, वेलोसिटी ऑफ मिनस्ट्रल इंटेंसिफाइड। यहाँ पर जो एल्प्स और जो एक मैसिव वैली है, मैसिव माउंटेन और एल्प्स का के बीच कारण इसका फनेलिंग इफेक्ट होता है, जो मतलब देख सकते हैं कि एक कीप नुमा आकृति बना देता है, ऐसे आप देख सकते हैं हवा एक बहुत बड़े एरिया में ये ब्लो कर रही है, लेकिन जब यहाँ पर ऐसे आती है तो समझ लीजिए कि इस तरह का कुछ दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, तो हवा का जो रफ्तार काफ़ी तेज हो जाती है। सर्दियों में इसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आसमान क्लियर हो जाता है और इलाका काफ़ी ठंडा हो जाता है, ये रीज़न काफ़ी ठंडा हो जाता है, और इससे बचाव के लिए लोग स्थानीय लोग यहाँ पर अपनी छतों और या फिर बागीचों को बचाव के लिए चारों ओर कुछ झाड़ियों की स्थानीय झाड़ी नुमा वनस्पतियों को लगाते हैं, जो इसमें इसको काफ़ी जिससे इनको काफ़ी राहत मिलता है। अब एक बोरा, अब बोरा मतलब कट्टा मत समझ लीजिए, अ सिमिलर टाइप ऑफ, ये भी एक तरह का कोल्ड विंड है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड एक्सपीरियंस अलोंग द एड्रियाटिक कोस्ट है, ये एड्रियाटिक कोस्ट में देखा है, तो चलिए अब इसको देखते हैं बोरा का, तो इसको सॉरी इसको पढ़ लेते हैं इसको, तब देखते हैं बोरा एड्रियाटिक कोस्ट पर देखा जाता है। लाइक द मिनस्ट्रल इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड मेडिटेरेनियन, ये भी होता है कि जब मेडिटेरेनियन का जो जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, जो रेस्ट ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंटल यूरोप का जो एयर प्रेशर होता है उससे जब कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से एक तरह का ये एक स्टर्लीज उधर से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है चलता है, जो कि
एडियाटिक सी में यूजुअली, अगर ये जो है सर्दियों में देखा जाता है इसको। एटमोस्फेरिक प्रेशर ओवर द कॉन्टिनेंटल यूरोप, और ऐसे में जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाता है। दिस ड्राई आइसी विंड इज इवन मोर वायलेंट देन मिनिस्ट्रल एंड स्पीड्स ओवर। ये मिनिस्ट्रल से भी ज़्यादा ये हिंसक बोल सकते हैं, खतरनाक होता है, वायलेंट बोल सकते हैं। इसका जो स्पीड है 100 माइल पर आवर हो सकता है, एंड बिन रिकॉर्ड इतना रिकॉर्ड किया, इतना तक या इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बोरा सीप्स में भी ब्लोन अराउंड एंड एग्रीकल्चर लैंड रुइंड। ये होता है कि इसमें बोरा के द्वारा, जो बोरा इतना खतरनाक होता है कि समुद्री जहाज़ों को भी उड़ा ले या नष्ट कर दे, और कृषि भूमि जो खेतों की जो है, खेतों बागीचों की जो काफ़ी तरह से बर्बाद करता है। तो देखते हैं का जो नेचुरल वेजिटेशन देखने से पहले चलिए इसको बोरा का एक लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर ये चल रहा है। मैं देख, ये है बोरा, ये एड्रियाटिक सी, आप इस क्षेत्र से देख सकते हैं यहाँ से ही। जब ये यूरोपीय क्षेत्र गर्म हो, यहाँ का जो टेम्परेचर कम होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसे में ये इस क्षेत्र का तापमान कम और एयर प्रेशर कम हो, का तापमान ज़्यादा और एयर प्रेशर कम होता है, ऐसे में यहाँ से ये ठंडी हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ की ओर बहती है, इसे बोरा कहा गया। ये काफ़ी विध्वंसक इसका देख चुके हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की इस इलाके की। मेडिटेरेनियन एरिया का नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज़ेरोफाइट होता है। ये मरुस्थलीय जलवायु पाए जाते हैं, सॉरी मरुस्थलीय वनस्पति अधिकतम देखने को मिलता है। मरुस्थलीय वनस्पति जो कि शुष्क यानी कि सूखा के लिए वो हैबिचुअल होते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द साइप्रस, यहाँ जैसे इसमें साइप्रस, कॉर्क ओक, स्कर्ब ग्रीन, ऑलिव और छोटी मोटी झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ देखा। जो नेटिव वेजिटेशन है यहाँ का, जो द नेटिव वेजिटेशन ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स लैंड मस्ट बी अडेप्टेड टू सर्वाइव अ लॉन्ग हॉट समर। यहाँ का जो मूल वनस्पति है, यहाँ को ये जो है लंबे शुष्क ऋतु में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने को उसमें जिंदा रहने के लिए, मतलब वो अनुकूलित है इसके लिए। ट्रीज विद स्मॉल ब्रॉड लीव्स, यहाँ पर जो यहाँ के जो पेड़ हैं उसके कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उनका जो वितान है, वितानों की जो फैलाव है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ये पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है। द एब्सेंस ऑफ सेड इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन लैंड्स, यहाँ का जो छाया जो है, यहाँ पर छाया बहुत कम देखने मिलता है, यही यहाँ का एक काफ़ी अलग एक यूनिक फीचर है यहाँ का। सॉइल इज ऑफन रेडिश, यहाँ का जो मिट्टी है मैक्सिमम रेडिश कलर में होता है, लाली वाली होता है। यहाँ पर जो आयरन कंटेंट, हाई आयरन कंटेंट होता है इसके अंदर, लोहे की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। द लो अमाउंट ऑफ रेन, जो यहाँ पर जो है, यहाँ बारिश की मात्रा लगभग कम ही कह सकते हैं। दिस इज रिजल्ट द लिटिल लीचिंग, इसके कारण यहाँ पर जो सॉयल में जो लीचिंग नहीं होता है, और बड़े पेड़ और बहुत ऊँचे झाड़ न होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमस भी कम ही पाया जाता है। ग्रोथ इज स्लो, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऐसे में ग्रोथ भी स्लो होता है, और जो वेटर सीजन है, कूलर ग्रोथ इन स्लो इन कूलर एंड वेटर सीजन, क्योंकि यहाँ पर जो वेट ह्यूमिडिटी है वो सर्दियों में होता है, जो और जानते हैं कि जो सर्दियों में पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए बहुत फेवर मतलब अनुकूलित केवल फेवरेबल कंडीशन नहीं होता उस समय, ऐसे में यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ऊँचे नहीं होते हैं, और इसकी ऊँचाई को, इसके ग्रोथ को यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी चेक करते रहता है, इसको आने बढ़ने नहीं देता। दस ग्रोथ इज ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑटम एंड स्प्रिंग, जो ग्रोथ है ऑटम से स्प्रिंग के बीच में के ही बीच होता है, और सर्दियों में क्योंकि गर्मियों में यहाँ बारिश नहीं होती, ऐसे में वो अब किसी तरह पेड़ पौधे सर्वाइव करते हैं, और ये एक साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें पेड़ पौधे ग्रो नहीं करते। तो चलिए बात करेंगे मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट की। जैसे हम लोग एक जंगल वुडलैंड विथ ग्रीन ऑक्स, यहाँ पर हरे ऑक्स फाउंड ओनली इन क्लाइमेटिकली मोस्ट फेवर्ड रीजन ऑफ द रेनफॉल ओवर, यहाँ पर जो इस तरह का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है सालों भर हरा रहने वाले, वो 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वाले क्षेत्रों में पाए थे, जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल में, वो जो ईस्टर्न कोस्ट मेडिटेरेनियन सी का। इन ऑस्ट्रेलिया में इसके यूकलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं, जबकि भारत में इसे एक कहते हैं कि इसको यूकलिप्टस को एक इकोलॉजिकल टेररिस्ट, क्योंकि ये
पानी की बहुत बर्बादी करता है, या इवेपोरेशन बहुत बढ़ाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में आसपास की वनस्पतियों के लिए पानी नहीं बच जाता और कई बार देखा गया जलस्तर भी नीचे चला जाता। ट्रीज आर नॉर्मली लो इवन स्टंटेड विद मैसिव ट्रंक, पेड़ छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा झाड़ियों के साथ, लंबी चौड़ी डाल और ट्रंक के साथ, हैव डीपली फिजर्ड बार्क्स। इसका जो फिजर्ड बार्क, स्मॉल लेदरी लीव्स, इसका जो छाल भी, आप यूकलिप्टस का छाल देखे होंगे, काफ़ी चिकना, और मतलब उसमें जो कम से कम इवोपरेशन कर सके या अधिक से अधिक नमी बचा सके, ऐसी स्थिति होती है। और इसका जो जड़ों का जो सिस्टम होता है, जमीन के नीचे काफ़ी अंदर तक होता है, ताकि गर्मियों में जब बारिश की मात्रा कम होती है, उस समय ये सर्वाइव कर सके, अपने आप को बचा सके। यहाँ पर ऐसे कुछ झाड़ियों के प्रकार ऐसे देखने को मिल सकते हैं, वनस्पतियों के जंगल यहाँ इस तरह। एक एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री, ये कॉनिफेरस ट्री जो है कि वो जो ऊंची और ठंडी जगहों में पाए जाते हैं इस तरह के, तो यहाँ पे एक कॉनिफेरस ट्री होता है इस तरह का, एक सीधा पेड़ है, जिसके जनरली ये पाइन और एक पाइन की पाइन और सेडर वगैरह होते हैं इसमें, पाइन सेडर साइप्रस, इसकी पत्तियां जो काफ़ी नुकीली होती हैं, ये मूलतः ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जहाँ की बर्फीली बर्फीले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर साल के मतलब सर्दियों में बर्फबारी होती है, इन क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। और हालांकि ये सदाहरित वन होते हैं सालों भरे। और एक्चुअली इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ झाड़ियों के बारे में बात करते हैं, बुशेस के बारे में। पर है द मोस्ट, यहाँ का जो सबसे अधिक जो डोमिनेंट वेजिटेशन होगा, सबसे अधिक जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो होगा, वो झाड़ियाँ ही होती है, क्योंकि यहाँ पर यही है जो कि यहाँ के सूखे और गर्म समय में अधिक से अधिक सर्वाइव कर सके अच्छे से, क्योंकि झाड़ियों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, कांटेदार होती है, और इस ये पूरी तरह इसके लिए बनी होती है इस सीजन के, इस तरह के क्लाइमेट के लिए। जनरली ड्राउट एंड हीट रेजिस्टेंट हैव द डेवलपिंग वेरियस स्ट्रेटजीज, इनकी अपनी एक बहुत सारा एक सिस्टम होता है जिसमें ये इनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग जेरोफाइट्स, जैसे पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ का जो वनस्पति है वो जेरोफाइट्स होते हैं, जो कि गर्मियों में और शुष्क मौसम में अपने आप सर्वाइव करने के लिए काफ़ी अनुकूल होते हैं। चलिए दे, अब इसको अलग अलग जगहों पर किस किस नाम से जाना जाता है देखते हैं। मार्किस बोलते हैं मेडिटेरेनियन इलाके में, चैप्टर बोलते हैं कैलिफोर्निया में, फेनबोस बोलते हैं साउथ अमेरिका में, और माली एंड कोंगान ऑस्ट्रेलिया में। तो नेक्स्ट, हम ये यहाँ पे झाड़ियों का कुछ और देखने की कोशिश कर दिखाने की कोशिश की गई है फोटोज के जरिए, यदि विजुअलाइज कर सके तो अच्छी बात है, या फिर गूगल भी कर सकते हैं। कंडीशन इन मेडिटेरेनियन डू नॉट सूट ग्रास एज मोस्ट ऑफ द रेन कम्स इन कूल सीजन। अब जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ जो बारिश होती है सर्दियों में आती है, जिसके कारण जो वनस्पतियों की वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ का जो घास है, जो घास की बात करें तो घास घास के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है। विंटर में रेनफॉल होता है, विंटर में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है, और वनस्पतियों की के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होती। तो ऐसे में स्लो ग्रोइंग वेजिटेशन होता है, यहाँ वेजिटेशन काफ़ी तेजी धीरे धीरे ग्रो करता है, तो ऐसे में घास के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, और जड़ें काफ़ी नीचे तक होती है इसकी, और जो भी घास यहाँ होते हैं वो पशुओं के सर्वाइव करने के लिए नहीं होते। वो मतलब उसका आकार जैसे देखें तो वायरी होता है, परंची इस तरह के होते हैं यहाँ पर, ये एनिमल फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनरली जैसे देखें तो डेयरी प्रोडक्ट्स की मतलब डेयरी फार्मिंग नहीं की जाती है। अब इनके द्वारा कुछ घास को रिप्लेस किया गया है, जो कि मतलब भेड़ बकरियों के लिए, हाँ यहाँ पर कुछ हद तक भेड़ बकरियाँ सर्वाइव कर सकती हैं। एज अ रिजल्ट तो मेंशन द फैक्ट्स, एनिमल फैट यहाँ पर एनिमल और फॉर एनिमल फैट्स का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो जनरली जो सबसे ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं वो है ऑलिव ऑयल्स का, और बाकी जो यूरोपियन की बात करें वो एनिमल फैट्स और वगैरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि घी हुआ, बटर वगैरह यहाँ पर बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका उत्पादन ही नहीं होता। तो देखिए यहाँ इस तरह की घास उग सकते हैं, बचाइए बेचारे मवेशी कैसे सर्वाइव करेंगे इस क्षेत्रों में। तो एग्रीकल्चर यहाँ का जो बात करें, मेडिटेरेनियन लैंड जो है यहाँ पर जो है फेमस है किसके लिए, साइट्रस फ्रूट्स से और खाद्यान्न, और तीसरा है वाइन। खाद्यान्न यहाँ पर बहुत ही कम है, जो कि अपने ही जनरली यूज़ के लिए आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो साइट्रस फ्रूट्स
और वाइन के लिए। ये इलाका जो है इसको मेडिटेरेनियन लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स। ये जो विश्व का जो सबसे बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि बागीचों वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ये यहाँ पर जो साइट्रस फ्रूट्स है, जो नींबू प्रजाति के जीव है, प्रजाति के जो फल हैं, उसकी बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी पाई जाती है यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं ऑरेंज है, लेमन्स है, लाइम है, और लाइम सिट्रॉन्स और ग्रेप है, अंगूर भी है। द फ्रूट ट्रीज हैव लॉन्ग रूट। यहाँ के जो फलों के जो पेड़ हैं वो जड़ें काफ़ी लंबी होती, ताकि जमीन मतलब वो जो समर में जो गर्मियों में जो शुष्क समय होता है उसमें ये सर्वाइव कर सके। स्पेशली द ड्राई एरियाज, जबकि यहाँ पे जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ इरिगेशन के द्वारा सिंचाई से इसको इस कमी को कम कम किया जा सकता है। जो गर्मियों में जो यहाँ पर शुष्कता की स्थिति होती है, एरिडिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इरिगेशन को भी के द्वारा भी यहाँ किया जा सकता है और किया जाता है। अब जैसे सकते हैं नींबू का जो, अब जैसे ये जो लेदरी स्किन है, ये इसको ज़्यादा ट्रांसपीरेशन में से रोकता है। इसको पूरी दुनिया में जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उसका 70% यहीं से जाता है। द ऑलिव ट्री इज प्रोबेबली द मोस्ट टिपिकल ऑफ ऑल मेडिटेरेनियन कल्टिवेटेड वेजिटेशन। यहाँ जो ऑलिव है वो सबसे ज़्यादा जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में इसकी खेती की जाती है। और एज ऑलिव इज सो हार्ड एंड लॉन्ग रूटेड, ऑलिव जो काफ़ी हार्ड होता है लकड़ी और इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती है, ये इतना है कि ये लाइमस्टोन में भी, चूना वाले क्षेत्रों में भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा के बाद भी सर्वाइव कर सकती है। और यहाँ पर इसकी काफ़ी खेती की जाती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऑलिव ऑयल। और आज ऑलिव ऑयल तो पूरी दुनिया में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ये काफ़ी हेल्दी भी माना जाता है। बिसाइड्स ऑलिव मेनी ऑफ, यहाँ पर ऑलिव के अलावा कुछ नट्स भी, जैसे चेस्टनट, वॉलनट्स, हेजल नट्स, एलमोंड्स, ये सारे चीज़ों की खेती की जाती है। अदर इम्पोर्टेंट फ्रूट्स आर, और यहाँ पर कुछ जनरली यहाँ पर देख सकते हैं बागवानी फलों की ही खेती की जा सकती है, जैसे पीच से एप्रिकोट्स, पियर्स, पम्स, चेरी और अंजीर है। चलिए अब तो ये तो कुछ संतरों की फोटो की तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे ही क्रॉप कल्टी। यहाँ यदि क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत कम है। इसके सेरेल्स, सेरेल्स कल्टी, सेरेल्स आर बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन द मेडिटेरेनियन, विथ वीट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है वो है वीट, गेहूँ, लोडिंग लीडिंग द फूड क्रॉप। यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है यहाँ का, यूज़ फॉर जनरली ये ब्रेड मेकिंग में ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और जो दूसरा है वो बार्ली यानी जौ। द अदर फूड प्रोडक्ट्स जो कि कुछ और हैं, स्पैगेटी, वर्मिसेली और मैक्रोनी। फार्मर ये जो यहाँ पर जो बीजों की जो बुआई होती है ये ऑटम सीजन में कर देते हैं, यानी कि बारिश से पहले सेप्टेम्बर अक्टूबर में कर देते हैं, और ताकि जैसे ही विंटर आए, विंटर में बारिश हो और ये इसको ग्रो करने का टाइम मिल जाए। और जो एक्स्ट्रा जो अदर फूड, यहाँ पर थोड़ी बहुत चावल की भी खेती होती है, सब्जियाँ तो जो कि बागीचा है तो मतलब ये बागवानी कृषि होती है यहाँ पर, तो सब्जियों की भी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है यहाँ पर, जिसमें बीन्स और फूल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। लिटिल यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉटन और टोबैको की भी, तंबाकू भी खेती की जा सकती है, क्योंकि वो क्लाइमेट कुछ बागवानी वाला है। द माउंटेन पास्चर्स, यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पशुपालन भी किया जा सकता है, जिसमें कि भेड़ बकरियों की को पाला जाता है, जिससे ऊन, मांस और दूध वगैरह प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं वाइन कल्टीवेशन। ये जो इलाका स्पेशली जो है वाइन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर अंगूर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और यहाँ उगने वाला जो मैक्सिमम अंगूर है वो उसके उसका वाइन ही बनता है। स्पेशली द रीजन व्हाट इज द मेडिटेरेनियन सी अकाउंट 3/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ वाइन। यहाँ का जो 3/4 पूरे विश्व का वाइन का उत्पादन होता है, 3/4। द लॉन्ग सनी समर अलाउ ग्रेप्स टू रैपन विद ऑलमोस्ट 85% ऑफ ग्रेप प्रोड्यूस्ड इनटू वाइन प्रोडक्ट। यहाँ जो लंबा जो ग्रीष्म ऋतु है इसको अंगूरों को पकने के लिए काफ़ी एक फेवरेबल कंडीशन देता है, और इन अंगूरों का जो 85% है वो वाइन प्रोडक्शन के लिए जाता है। अब तो ये था हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जहाँ तक मैंने कोशिश की बेहतर से बेहतर कुछ देने की। अब ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तब इसको कर लेते, ये वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा, कल सुबह तक। तो ऐसे में
जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि ये वीडियो सुबह सुबह ही अपलोड होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो मेडिटेरियन सी का। इसमें यदि किसी तरह का कुछ कमी लगे, कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो आप बताइए, हम इस पर कोशिश करेंगे अधिक और भी बेहतर बनाने का। और जल्दी हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग दो तीन लोग कुछ जो समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उससे आपको और से अधिक जानकारी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यदि हो सके तो सुझाव दें कि किस तरह के मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए, और आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।